Assalamu alaikum. Welcome to the online class in our school, North Study Public Secondary School and College. Students, मैं आपको वेलकम करती हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास में. टुडे आवर सब्जेक्ट इज मैथ्स. मैथ्स का स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को लेक्चर नंबर 11 लर्न करने जा रही हूँ. लेक्चर नंबर 11 में आज हम अपनी क्विक मैथ्स में अपनी क्या लर्निंग करने जा रहे हैं, क्या चीज सीखने जा रहे हैं. तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं आज अपने इस लेक्चर के थ्रू हम लोग कौन सी न्यू ट्रिक्स सीखेंगे क्विक मैथ्स के लिए. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 11. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सीखने जा रहे हैं हम लेक्चर नंबर 11 में. प्रैक्टिस ऑफ क्विक मल्टीप्लीकेशन हम लोग क्या सीखेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे क्विक मल्टीप्लीकेशन की. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्विक मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे. अगर आप लोग को याद हो तो लेक्चर नंबर 10 में भी मैंने आप लोग को इसी की प्रैक्टिस करवाई थी. आज उसी का ही एडिशनल वे हम लोग सीखेंगे. यहाँ लर्निंग आउटकम्स आप लोग को नजर आ रहे होंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट, अपने इस लेक्चर के थ्रू हम लोग अपने मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेंगे. इसके अलावा क्विक मैथ सीखेंगे, मेंटल मैथ सीखेंगे, मेंटल मैथ के थ्रू अपने क्विक मैथ को इम्प्रूव करेंगे. इस तरह से नंबर्स पेयरिंग सीखेंगे, मल्टीप्लाई विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, और मल्टीप्लाई करेंगे अपने सम को विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. और आप देख सकते हैं हम लोग किस तरह से अपने मैथ्स को किस तरह से फन में तब्दील कर सकते हैं अपने इस लेक्चर के थ्रू. व्यूअर्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. चैनल के लिंक्स ये हैं, द NCPSS एंड HSPSS ऑनलाइन लेक्चर्स, एंड हमारा सेकंड चैनल है प्रोफेसर MM मंजूर ऑफिशियल. सो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इस लेक्चर के थ्रू अपने मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट क्लास सीखेंगे. तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. सो लेट्स स्टार्ट रिडल गेम. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग को कॉन्सेप्ट नजर आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है हमारा, क्विक मल्टीप्लीकेशन विद 10 डिजिट के हवाले से क्विक मल्टीप्लीकेशन नहीं है स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे, 10 डिजिट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है 10 बनाने के लिए. यहाँ पे 9 अगर लिखा है तो यहाँ पर हम कितने नंबर और डालेंगे जो हमारा 10 बन जाएगा, तो 1 आ जाएगा. यहाँ पे इस सेट पे 1 आ गया. अब यहाँ पे 8 नंबर था, इसको कंप्लीट करने के लिए 10 डिजिट बनाने के लिए कितने नंबर्स की जरूरत होगी, 2. तो यहाँ पे इस सेट पर हमने 2 लिख दिया. सही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये 10 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पर हमने ये वर्किंग करी. इसके बाद हमने क्रॉस सब्ट्रैक्शन करी. क्या करिए, क्रॉस सब्ट्रैक्शन. अब 9 में से अगर 2 निकालेंगे हम लोग, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा. इसी तरह से 8 में से 1 निकालेंगे हम, अगर यहाँ पे 8 में से 1 निकालेंगे तो तब भी हमारा क्या बचेगा, 7 ही बचेगा. इसके बाद यहाँ पर हमने टेबल पढ़ लिया था, 1 2 2, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 72. 9 8 मीन्स क्या होता है, 72. अभी यही क्विक मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हमने अप्लाई की कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा 6 डिजिट था, हमें 10 डिजिट बनाने के लिए कितने नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, 4. अगर आप लोगों को हमारे नंबर्स पेयरिंग याद हो तो मैंने जब आप लोग को बेटा कॉन्सेप्ट सिखाया था एडिशन का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10, तो मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि 6 के साथ कौन सा नंबर ऐसा मिलाएंगे जो हमारा 10 डिजिट बनेगा. तो यहाँ पे 6 के साथ 4 लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 10 डिजिट बन जाएगा. इसी तरह यहाँ पे 9 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो 9 के साथ हमारा कौन सा डिजिट आएगा जो 10 डिजिट बनेगा, 1 आ जाएगा. अब यहाँ पे ये चीज करने के बाद हमने क्या करनी है, हमें क्रॉस सब्ट्रैक्शन करनी है. अब हमें माइनस करना है 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5. 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तब भी 5 ही आएगा. सही है, फिर हमने 9 में से 4 माइनस करें तो 5 ही आंसर आया, यहाँ पर हमने ये 5 लिख दिया. इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें पढ़ लेना टेबल. अब चाहे तो 1 4 4 पढ़ें या 4 1 4 पढ़ें, बात एक ही है. तो यहाँ पे ये हमारा आंसर क्या आ रहा है, 54. अब यहाँ पर 6 9 या 9 6 क्या होगा, हमेशा 54. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. सही स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई टेबल पूछता है 6 9 या 9 6, ये 9 6 का टेबल तो हमें फिर भी आता होता है, लेकिन 9 का टेबल हमें नहीं आता. तो यहाँ पर अगर आप 6 के टेबल को लर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली 6 9 तो 9 6 भी आपको आ जाएगा, जो कि क्या है, 54, जो कि क्विक मल्टीप्लीकेशन. मैंने आप लोग को बताई कि किस तरीके से आप लोग क्विक मल्टीप्लीकेशन करते हैं. फौरन आपने 10 डिजिट बनाना है, 10 डिजिट बनाने के बाद सब्ट्रैक्शन करनी, क्रॉस मल्टी सब्ट्रैक्शन करी और ये आंसर आता है. सिंपल रिजल्ट है, यहाँ पे टेबल पढ़ लिया, जो कि 1 का टेबल तो सबको ही आता है, 1 का टेबल कितना ईजी है, यहाँ पर 2 का टेबल कितना ईजी है, ये छोटे छोटे टेबल तो सबको ही आते हैं, 1 2 3, ये तो सबको ही आते हैं. तो यहाँ पे ये जल्दी से हम लोगों ने क्या कर लिया, अपनी क्विक मल्टीप्लीकेशन कर ली. ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा मैंने आप लोग को अगेन इसका रिव्यू दे दिया है ताकि मैं आगे अपनी रिडल्स को आप लोग को सॉल्व करवा सकूँ और आप लोग इस
उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। सो मूव टू द नेक्स्ट रिडल। यहाँ पर हमारी क्या है रिडल, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 9173। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 9173। 9 और 1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 10 डिजिट बनाने के लिए हमें 9 के साथ किसकी जरूरत होती है, 1 नंबर की। और इसी तरह 10 डिजिट बनाने के लिए 7 के साथ किसकी जरूरत होती है, 3 की जरूरत होती है, 3 की। तो यहाँ पर हमने ये 10 डिजिट बनाने के लिए एक तरफ लिखा 7 और दूसरी तरफ क्या लिखा 3, इसी तरह ऊपर लिखा 9 और 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 7 9 या 9 7 पढ़ेंगे बात एक ही है। तो यहाँ पर हमने क्या करनी है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करनी है। 9 में से 3 माइनस करना है तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। और इसी तरह 7 में से 1 माइनस करेंगे तभी आंसर क्या आएगा, 6। तो ये हमारा सेम आ गया, यहाँ पर हमारा यहाँ से 6 ही आ गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो 3 1 3 पढ़ लें या तो 1 3 3 पढ़ लें बात एक ही। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 9 7 63 3। देख सकते हैं कितनी क्विक मल्टीप्लीकेशन करी और हमें पता चल गया कि 9 7 क्या होता है, 63 या 7 9 क्या होता है, 63। सो ये है क्विक वे बेसिकली। अब आ जाते हैं बोर्ड ब्रेकिंग की तरह, थोड़ा सा बोर्ड पे इसको समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज लेक्चर नंबर 11। यहाँ पे लेक्चर नंबर 11 में हम लोग मैथ्स रिडल्स सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इस रिडल में अपनी क्या करनी है, क्विक मल्टीप्लीकेशन करनी है विथ 10 डिजिट। यहाँ पे डिजिट 10 से हम लोग जो है अपनी क्विक मल्टीप्लीकेशन करेंगे। रिडल नंबर 24 आज मैं आप लोग को बोर्ड पर सॉल्व करवाने जा रही हूँ, जो कि मैं स्लाइड पर आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन मजीद आप लोगों तक अंडरस्टैंड कर सके तो यहाँ पर मैं थ्रू बोर्ड ट्रैकिंग आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोगों ने मेरे हर स्टेप को बहुत अच्छे से देखना है और उसको गौर करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपने ये चीज देखनी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्विक मल्टीप्लीकेशन के लिए, हमारा सम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने डिजिट 10 वाली मल्टीप्लीकेशन करनी है। सो यहाँ पर हमारा 9 डिजिट था तो 10 डिजिट बनाने के लिए हमें कितने नंबर्स की जरूरत है, 1 नंबर की जरूरत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जब भी हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 का जब हमने मिरर कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि 9 + 1 हमारा क्या बनता है, 10 बनता है, ठीक है। इसी तरह जब हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि 7 के साथ जब भी हमारा 3 आएगा तो क्या डिजिट बनाएगा, 10 डिजिट बनाएगा। तो यहाँ पर हमें क्विक मल्टीप्लीकेशन 10 डिजिट के साथ ही जो करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा 9 और इसके साथ लिखा हमने 1, तो ये हमारा 10 डिजिट बन गया। यहाँ पे 7 लिखा और यहाँ 3 लिख दिया तो ये क्या बन गया, हमारा 10 डिजिट बन गया। अब हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, हमें करनी है अब क्रॉस सब्ट्रैक्शन। अब हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 9 में से 3 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। अब 7 में से 1 निकालेंगे तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, 6। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे 6। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड पे जाके अपना टेबल पढ़ना है। अब चाहे तो 1 3 से पढ़ लेंगे या 3 1 से पढ़ लें तो आंसर क्या रहेगा, हमारा 3 ही रहेगा। 1 3 से 3 होता है, 3 1 से 3 होता है, तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। सो द आंसर इज 63। अब हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे अपने इस बॉक्स में, 9 7 63। अब चाहें तो 7 9 63 लिखें या 9 7 63 लिखें बात एक ही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने इस तरह से इस वीडियो को सॉल्व करना, आपने देखा कितना इजीएस्ट वे है इसको क्विक मल्टीप्लीकेशन करने का, कि किस तरह से हमने अपने सम को मल्टीप्लाई कर लिया, बहुत ही इजीएस्ट वे। हमने सिंपल पहले अपना 10 डिजिट बनाया, 10 डिजिट बनाने के बाद क्रॉस सब्ट्रैक्शन करी, सब्ट्रैक्शन करने के बाद एक साइड पे हमने टेबल पढ़ा, उसके बाद हमने जो आंसर आया वो हमने बॉक्स में लिख दिया, 9 7 63। ये मैंने रिडल आप लोग को स्लाइड पे बताई और यही रिडल मैंने आप लोग को बोर्ड पे भी बताई, आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब नेक्स्ट रिडल के लिए चलते हैं हम स्लाइड की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा बोर्ड पे भी आंसर 63 ही आया, तो यहाँ पे भी 63 आंसर आ रहा है। सो नेक्स्ट रिडल हमारी क्या है, रिडल नंबर 25। यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ, लेकिन ये मैंने आप लोग से कर दिया है हाइड, क्योंकि ये मैंने आप लोग को नहीं दिखाना है, क्योंकि ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करनी है, ये आप लोग का होमवर्क है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आंसर हाइड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करनी है। रिडल नंबर 25 ये बेसिकली आप लोग का होमवर्क भी है, सो आपने खुद से ट्राई करनी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, लेकिन ट्राई आपने खुद से करनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एक साइड लिखा हुआ है 7 और दूसरी साइड क्या लिखा हुआ है 3। इसका मतलब क्या है, 10 डिजिट बनाने के लिए 7 के साथ हमेशा हमारा कौन सा नंबर यूज होता है, 3। इसी के नीचे लिखा हुआ है एक सेट पे 8 और दूसरे सेट पे लिखा हुआ है 2, क्योंकि 10 डिजिट बनाने के लिए 8 के साथ हमारा क्या नंबर आता है, 2 आता है। अब हमें क्या करना था, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था, हमें करनी होती थी क्रॉस सब्ट्रैक्शन।
टू माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा, जल्दी से सोचिए दिमाग में, माइंड में सॉल्व करें क्या आंसर आएगा। इसके बाद अगर 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, तब भी आंसर सेम ही आएगा। जब हम 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे वही आंसर आएगा, तो यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा वो आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने टेबल पढ़ना है, 3 2 पढ़ लें या 2 3 पढ़ लें, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आंसर जो आएगा यही आपने यहाँ कॉपी कर देना है, मीन 7 8 हमें पता लग जाएगा कि क्या आंसर आ रहा है और यही आंसर हमने यहाँ लिख देना है। सो ये बेसिकली आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने ये तीनों रिडल्स अपनी फेयर कॉपी में डन करनी है जो कि लेक्चर नंबर 11 में आप लोगों को डिलीवर करी गई है। कॉन्सेप्ट मैंने आज आप लोगों को समझा दिया है, क्विक मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आप लोगों को, तो ये आपने तमाम रिडल्स अपनी जो है रिडल नंबर 24 और 25 जो है अपनी फेयर कॉपी में डन करनी है। एक रिडल मैंने खुद से सॉल्व करवा दी है, दूसरी रिडल आपने खुद से करनी है। अपनी फेयर कॉपी में डन करने के बाद अपने स्कूल में लाजमी तौर से अपना तमाम वर्क अपने सबमिट करना है, ताकि ये आप लोग का बेटा रिडल का मैथ्स रिडल का जो होमवर्क है वो साथ साथ चेक हो सके। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये मेरा लेक्चर जो है वो फिनिश होता है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स दिए थे जिसमें मैंने आप लोगों को कम्प्लीमेंट सिखाया था, कम्प्लीमेंट ऑफ 10, कम्प्लीमेंट ऑफ 20, ये भी अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि ये आप लोगों को हेल्प करेगा क्विक मल्टीप्लीकेशन के लिए। आप देख सकते हैं अगर आप जितने कम्प्लीमेंट अच्छे से करा होगा प्रैक्टिस, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज यूज हो रही है कि 7 और 3 का कॉम्बिनेशन बना के क्या नंबर बन रहा है, 10 डिजिट बन रहा है, और इसी तरह 8 और 2 का कॉम्बिनेशन बना के क्या बन रहा है, 10 डिजिट बन रहा है। तो आपने ये अच्छे से करनी है प्रैक्टिस, और ये तमाम वर्क अपना डन करना है अपनी फेयर कॉपी में साफ राइटिंग में। फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी, यहाँ पे मेरा लेक्चर ये होता है फिनिश, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोग सब अपना रखिएगा ख्याल, इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।